सकते हैं पासपोर्ट जो कहने बहुत एक्सपेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद हर कंट्री का इंश्योर लेना पड़ता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेना पड़ता है, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है, जो कारनेट उसकी भी वैलिडिटी 1 ईयर होती है। और वो इंडिया में बस मुंबई में ही मिलता है, और एक ही ऑफिस और एक ही पर्सन है, और हम लोग मुंबई में रहते हैं तो बहुत ईजी। अगर कोई प्लान कर रहा है इंटरनेशनल राइड करने का तो उनके लिए बहुत बढ़िया है कि वो डॉक्यूमेंट मुंबई में मिलते हैं चर्चगेट में। और उसके साथ तो कुछ कंट्री में कारनेट नहीं चलता, वहाँ पे TIP बनाना पड़ता है, टेम्पररी इम्पोर्ट परमिट, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, हर कंट्री में टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल राइड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में। टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रिप्स, पहले हम लोग आई बिलीव आपने लद्दाख में किया होगा, राइट? एंड ओपन क्वेश्चन टू द ऑडियंस, अगर आप कुछ कोई लेख लेने आप प्लान कर रहे हैं लेह लद्दाख नेक्स्ट ईयर, तो कितने लोगों ने लद्दाख किया है और कितने लोगों का सपना है कि अभी भी जाना है? तो बहुत सारे लोगों को जाना है अभी लद्दाख, तो आपके पास सभी अभी स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली लेके जा सकते हैं। प्लान करने के लिए मैं रेडी हूँ, आप सब साथ चलो, विल गिव यू अ ओपन क्वेश्चन, जरूर जरूर प्लान करेंगे, सब स्ट्रॉन्ग लेके जाएंगे। What was your expense for this London trip? How much? Expense was 25 lakhs Indian rupees. 50% loan किया था और 50% saving थी। और it was self-funded tour. Sponsor मुझे मैंने try किया, कोई नहीं मिला, सबको लग रहा था भाई is impossible, अकेला बंदा और वो भी middle east से जा रहा हूँ, वो भी situation उस time थी Ukraine Russia का war चल रहा था और मैं return आना था, तब वो Israel emergency हुई थी, तो उस सिचुएशन में कोई स्पॉन्सर करने के लिए रेडी नहीं था, तो अब एक ही बंदे ने स्पॉन्सर किया, उसका नाम है योगेश अलेकरी, मेरा नाम है वो। आपको कैसे लग रहा है, मतलब आपने 5000 किया होंगे नॉन स्टॉप, और वो भी आपने बोला था समर में, तो क्योंकि ये फॉर इंडिया का मोस्ट इशू होता है, तो उस टर्म में आपने कैसे? अरे सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वी स्टॉप थी, द फर्स्ट 5000 किलोमीटर्स दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज राइडिंग द वी स्टॉप इन द पीक समर्स, ओवरहीटिंग या कुछ इशू होता है ऐसा हम लोगों ने मोटरसाइकिल के साथ कभी कुछ ऐसा फेस ही नहीं किया। एंड we started this journey from Varanasi going towards Lucknow and Agra, which covers the Lucknow Agra expressway, jahan pe aapko lagta hai ki is highway pe kabhi ek pair aaya nahi hoti hai, the bike performed wonderfully, kabhi kabhi aaya nahi tha, aur wo highway pe shayad toll bhi dena padta hai bike pe, shayad wahi highway na। You said you did 5000 non stop, right? It was break into 20 days. Did you also service the vehicle during these 5000? What was it like? So, very good question. What were the service preventive maintenance? What we did? Kya hua? Sound badhao. Sound. So, the preventive maintenance, what we did? The motorcycle first jo 1000 kilometers pe hona chahiye service, that we did in Jaipur, and jo dealership ke sath experience tha, what they did, they gave the motorcycle within 45 minutes the moment we gave the motorcycle to them, right? Secondly, every 400 to 500 kilometers so in one single day what we used to cover was 500 kilometers roughly, and all we used to do was loop the chain and clean the chain, that's it. And in every 1000 kilometers what we used to do was cross check our axle bolt, swing arm bolt and the handlebar bolts which were there, and the clutch tension, which the clutch pin which we had has to be adjusted, that's it. How many times you had to adjust the handlebar? That is all preventive, we used to check it, but none of the time it was loose ever. The only thing is when you go in sand or desert regions, there the sand particles are very loose. That is the only time, once you are done with riding on the sand, what you have to do is just take out the air filter, clean it up and put it back in. That's it. So, just you mentioned that you ride 500 km per day. So what about suspension?
और आपको वो कैसे फील हुआ कंफर्ट नहीं इसके लिए इस टॉम पे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो टैग है द एवरीडे एक्सप्लोरर, इट सूट्स द मोटरसाइकिल परफेक्टली, राइट? व्हाई? It is as agile to be on the city as well as comfortable as ADV on the highways. Okay. So this is, to be very honest, it is the only motorcycle that you'll ever need in your garage. और आपको क्या स्पीड क्या मेंटेन करते हैं इंडियन हाईवे में वो? Alright. So very good question. I believe what you did and what we did was very simpler. Rather than pushing all the way, what we used to do was 90 to 100 kilometers an hour. Why? This is the pace where आपका दिमाग में स्ट्रेस नहीं आ रहा, you don't have to concentrate as much as you will be doing by pushing the motorcycle as hard as possible. Right? So consistency is the key. What we used to do was we go from tank to tank. So what we, the efficiency we got from the V-Strom in this 5000 kilometers was 34 kilometers per liter. So easily about we had about 360 kilometers of tank range. Easily, and this was the only time where we used to brake, hydrate, and refuel the motorcycles. और desert में आपने बोला चलाई थी bike, तो 250cc plus desert और heat, तो वो experience कैसा था इस storm के साथ desert में राजस्थान में? So sand में what the thing is, everything is momentum. जैसे हम लोग अभी आज तक YouTube videos देखते हैं, कुछ देखते हैं, कोई भी कोई water crossing में जाता है या sand में जाता है. The moment the front tire slides or the rear tire slides, what happens is, हम लोग क्या करते हैं? क्लच दबा देते हैं या फिर थ्रॉटल बंद कर देते हैं. जहां आपका मोमेंटम ऑफ रोड में खराब होता है वहीं पे आपकी गाड़ी स्टॉल कर जाएगी, राइट? मोमेंटम इज द ओनली वे यू कैन प्रोसीड अहेड. सो व्हाट वी, जो कैरेक्टर है V-Strom का, वेरी लीनियरली पार्क, ब्यूटिफुली डन. इंजन कभी आपको डराता नहीं है, सो दैट यू कैन कीप द थ्रॉटल कॉन्स्टेंट इन टू एवरी गियर एंड एवरी सिचुएशन देयर इज. और इसमें कोई है जिसको एक्सपीरियंस शेयर करने, जो भी स्ट्रॉन्ग के साथ एक्सपीरियंस आया हो, जो लॉन्ग डिस्टेंस राइड किया हो या फिर कोई ऑफ रोड किया हो, एक्सट्रीम ऑफ रोड हो या फिर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है? थैंक यू सो मच.